तो झारखंड राज्य खाद्य आयोग की टीम कोडरमा पहुंचकर सुनवाई जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन करती है। कोडरमा परिसदन में झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी और सदस्य शबनम प्रवीण ने जिले के डीएसई सहित सदर अस्पताल के प्रतिनिधियों से पीडीएस एमडीएस आईसीडीएस एवं एमटीसी संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने लोगों को मिलने वाली राशन, विद्यालय में मिलने वाली मध्यान्ह भोजन, आंगनवाड़ी में मिलने वाले खाद्य सामग्री सहित विभिन्न समस्याओं से अवगत हुए। वहीं पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने बताया कि पूरे राज्य के सभी जिलों में जन सुनवाई कर खाद्य संबंधित मामलों को ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने की पहल की जा रही है। जन सुनवाई में किसी भी लाभुक के न पहुंचने के सवाल पर आयोग के अध्यक्ष ने मीडिया से कहा कि लोगों का इस कार्यक्रम में नहीं आ पाना या तो जागरूकता की कमी है या फिर शिकायतें हैं ही नहीं। अभी मीडिया की जिम्मेदारी है कि इसकी जाँच करे। उनको एमटीसी माना बहुत जरूरी है, जिनका सब कॉम्प्लिकेशन है, जैसे हमारे निमोनिया है या फिर बहुत एनीमिक है, तो वो सारा चीज लगती है। लेकिन जब जमीन पर जाते हैं तो लगता है कि सारी योजनाएं कागज पे चल रही हैं। ये हम जानना है, सेंटर आना चाहिए, लेकिन वो पारिवारिक काम नहीं। इस आयोग इस दिशा में हम विभाग से पत्राचार करेंगे और इस दिशा में जो मेरी जानकारी है कि विभाग इस पर गंभीर है और इसका निदान करने की प्रक्रिया चल रही है और मुझे लगता है कि पूरे मामले बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे और जो भी समस्याएं हैं या शिकायतें हैं उसका निदान विभाग करने के प्रति गंभीर है। ये सर जन सुनवाई हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस तरह से ये जन सुनवाई इसलिए हो रहा है कि आयोग को ये लगता है कि कई बार लोग जानकारी के अभाव में या शिकायत कैसे करनी है इसके अभाव में खाद्य आयोग तक अपनी शिकायत नहीं पहुंचा पाते हैं। इसलिए आयोग जिले में जाकर जन सुनवाई करता है कि अगर किसी अखबार के माध्यम से विज्ञापन देके टीवी के माध्यम से लोगों में ये बात की जानकारी देकर सुनवाई होती है ताकि लोगों की जो शिकायतें हैं वो आकर बता पाएं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आयोग आज की सुनवाई में शिकायतकर्ता नहीं थे। जो व्हाट्सएप पर और अन्य माध्यमों से उन्होंने शिकायतें की थी उस शिकायतों पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी से रिपोर्ट तलब की गई और उन्होंने ये बताया कि जो शिकायतें की गई थी उन सभी का निदान कर दिया गया है। अब लोग नहीं आ रहे हैं, इससे दो निष्कर्ष निकल सकता है कि चाहे तो लोगों में जागरूकता का अभाव है या यहाँ शिकायतें कम है। ये अब मीडिया की जिम्मेवारी है ये पता करना कि यहाँ जागरूकता नहीं है या शिकायतें नहीं। इसका मतलब कुल मिलाकर आप ये एक्सेप्ट करते हैं शिकायतकर्ता नहीं आया तो कहीं ना कहीं क्या लगता है प्रशासनिक जागरूकता की कमी है? ये हर चीज के लिए प्रशासन को जिम्मेवार ठहराना उचित नहीं होगा। चूंकि हमने अखबार में विज्ञापन दिया था जन सुनवाई की, आयोग अपने जिन माध्यमों से इस बात को फैला सकता था आयोग ने उस माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाई। बावजूद इसके लोगों का ना आना ये बताता है कि लोगों में जागरूकता का अभाव है और यही वजह है कि हम दूसरी पाली में 2 बजे से मुखिया संवाद कर रहे हैं ताकि मुखिया को ये बताएं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करिए कि अगर उनको उनके एनएफएसए के अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो वो अपनी बात उठाएं, अपनी शिकायत दर्ज कराएं। कि इसमें तो मैं ये कहूंगी कि लोगों में जानकारी की कमी है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मतलब लोग सिर्फ खाद्यान्न जो पीडीएस के द्वारा मिलता है उसे ही समझते हैं कि ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सिर्फ पीडीएस से मिलने वाला खाद्यान्न है। लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिनियम में बहुत सारे विभाग हैं जिन के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो एमपीसी सेंटर चलाए जाते हैं जिसमें अति कुपोषित बच्चे होते हैं उन्हें एडमिट कराया जाता है, उन्हें पोषक आहार दिया जाता है, उनका इलाज होता है और उनके साथ जो माताएं जो देखने के लिए जो गार्जियन उनके साथ रहती है उन्हें भी सरकार 130 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से देती है ताकि उनकी जो मजदूरी है वो पूर्ति हो और उनके बच्चे का सही इलाज हो जाए। उसी तरह आंगनबाड़ी केंद्र में जब इस पता चलता है कि कोई माता गर्भवती है तो उसी समय से उसे पोषक आहार के साथ साथ कुछ अनुदानित राशि भी दी जाती है जो 3 किस्तों में मिलती